भर में महाशिवरात्रि की धूम, देवघर में पंचशूल स्थापित, 1 साल 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया दर्शन। 2 सालों से शिवरात्रि के अवसर पर कोरोना के कारण था बंदी, देश भर में दिखा उत्साह। और वहीं बिहार के बजट का सार, विकसित बिहार, समृद्ध बिहारी, न नया टैक्स न रियायत, घोषणाओं और पुरानी योजनाओं को पूरा करने का संकल्प। और बजट में 7 निश्चय, Part 2 के लिए 5,000 करोड़ रुपए, युवा, महिला, गांव, किसान व बुनियादी जरूरत पर काम। और देश में नई बेड एडवाइजरी जारी, यूक्रेन में रहने वाले निवासियों के तत्काल छोड़े क्यू क्यू, यूक्रेन की राजधानी क्यू को तत्काल छोड़ देने का निर्देश जारी किया गया, एडवाइजरी जारी कर दिया गया है। और इसी बीच रूसी करेंसी एक दिन में 26% गिरी, बैंकों ने जनता पर 20% ब्याज थोपा है। उप मुख्यमंत्री बोले, महात्मा गांधी सेतु मई में पूरी तरह पुनर्निर्माण के बाद चालू हो जाएगा। और वहीं बजट में पंचायतों के लिए विशेष व्यवस्था, 7 निश्चय, Part 2 के लिए 5,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने 2020 चुनाव में अपने घोषणा पत्र का नाम ही 7 निश्चय Part 2 रखा था। Part 2 इसलिए कि 2015-2020 तक 7 निश्चय उसका घोषणा पत्र था। इसके बाद से पंचायतों में विकास के लिए काफी राशि खर्च करने की बात कही जा रही है। कितनी राशि मिल रही है गांवों के लिए और कितने करोड़ रुपए कौन से मद में खर्च होंगे, ये सारी जानकारी देंगे। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम सुबह सवेरे। सुबह सवेरे में हम खबर लेते हैं अखबारों के पन्नों से, अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपकी काम की खबरें। खबर में हमसे जुड़े रहने के लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो हम नजर डालते हैं, देश भर में महाशिवरात्रि धूमधाम से मनाया जा रहा है, लोग सुबह से ही शिवालयों में कतार लगाए हुए हैं। वहीं औरंगाबाद जिले के देवकुंड स्थित बाबा दुधेश्वर नाथ मंदिर में लोगों ने पूजा अर्चना की। उससे पहले पवित्र सहस्रधारा सरोवर में लोगों ने स्नान किया। उसके बाद महाशिवरात्रि के अवसर पे देवालयों में जाकर पूजा अर्चना किया, शिव की आराधना किया। हम आपको बता दें कि महाशिवरात्रि पर इस बार दुर्लभ योग है, धनिष्ठा नक्षत्र में परिघ योग रहेगा। धनिष्ठा के बाद भिषा नक्षत्र और परिधि के बाद शिव योग मिलेगा। ग्रह संयोग के तहत 12वें भाव में मकर राशि में पंचग्राही योग रहेगा, जिसके कारण इस दुर्लभ योग रहने के कारण युवाओं की टोली जहां सेल्फी लेती दिखी शिवालयों के आगे, वहीं महिलाएं पूजा अर्चना करती हुई मिली। तो देश भर में शिवरात्रि की धूम है, आप सभी को शिवरात्रि की शुभकामनाएं। और आगे बढ़ते हैं, बिहार की चौतरफा विकास का सूत्र है और बजट पेश कर दिया गया है। बिहार के चौतरफा विकास के 6 सूत्र, पढ़ेगा बिहार तो बढ़ेगा बिहार, मजबूत होगी आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया है। और खास करके गांव में बुनियादी सुविधाओं को सख्त बनाया जा रहा है। पुलिस लाइन में नई लैंडिंग सुविधा, नाइट लैंडिंग के हेलीकॉप्टर उतारने की सुविधा होगी। बिहटा में आईपीटी की स्थापना होगी। 150 रूरल रिटेल मार्ट भी खोले जाएंगे जो जीविका दीदी द्वारा चलाए जाते हैं। और बोले नीतीश कुमार, बजट लोक कल्याणकारी आर्थिक विकास को गति देगा। और वहीं 5 वर्षों में हर खेत तक सिंचाई का पानी, इस साल योजना पर खर्च होगा 600 करोड़ रुपए। हम आपको बता दें कि सबसे कम 9.28 करोड़ संसदीय कार्य के लिए और सबसे ज्यादा जो बजट में प्रावधान किया गया है, 39,191.87 करोड़ शिक्षा के लिए, शिक्षा के पर ज्यादा खर्च किया जाएगा। और वहीं युद्ध के 5वें दिन रूस की जनता तक पहुंची तपिश, अब रूसी करेंसी भी
26% उसका वैल्यू गिर गया है। और युद्ध की रणनीति सफल ना होते देख दबाव में पुतिन इसलिए परमाणु हमले की दी धमकियां धमकियों पर उतरे उतर गए हैं। समस्तीपुर से खबर आ रही है दोस्तों, समस्तीपुर की घटना है। 7 साल पहले ऑनर किलिंग, एक को फांसी, दो को उम्र कैद, दोस्तियों पर जुर्माना भी। युवक युवती की हत्या कर शव को पेड़ से लटकाया था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म अलग अलग कंपनी के नाम से होंगे। और दुबई एक्सपो में विलेज यानी 15 मिनट, सिटी ऑफिस, घर, पार्क, रेस्तरा तक पैदल जाएं या साइकिल से अधिकतम 15 मिनट लगेंगे। दुबई मास्टर प्लान 2040 के लिए मॉडल बना। डिस्ट्रिक्ट 2020 अब रहने की भी पसंदीदा जगह है। बिहार की अधिसूचना को किया रद्द। लोहार जाति, बड़ी खबर, लोहार जाति के लिए, लोहार जाति को ST श्रेणी में रखना गलत, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। बिहार सरकार ने अधिसूचना जारी कर लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया था। आपने देखा होगा पिछले चुनाव में भी उनका कोई भी सीट आरक्षित नहीं था ST से, तो लोहार जाति के लिए बहुत मुश्किल हो गई थी कि पिछड़ा वर्ग में लड़े, अति पिछड़ा वर्ग में लड़ेगा कि ST वर्ग में लड़ेगा कि ST वर्ग में चुनाव लड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की अधिसूचना को ही खारिज कर दिया गया है कि लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति में रखना गलत है। और वहीं मिशन निपुण कार्यक्रम के तहत कक्षा 3 के बच्चों को खेल खेल में पढ़ाना सिखाएंगे। शिक्षा पर खर्च होंगे, आपको पहले ही बता चुका, लगभग 40,000 करोड़ रुपए शिक्षकों को के खाली पर भरे जाएंगे। मांगी वैसे स्कूलों की लिस्ट जहां नहीं है शौचालय, सरकारी स्कूलों में शौचालय नहीं बनाने के मामले पर होगी कार्रवाई मुख्यमंत्री। और बजट में यह भी घोषणा है, पूरे बजट से ही अखबार पूरा भरा हुआ है। इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कॉलेजों को उच्च स्तर का, पॉलिटेक्निक कॉलेजों में उच्च स्तर का लैब खुलेगा, स्मार्ट क्लास भी बनेंगे। कॉलेजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे नए उभरे तकनीक की होगी पढ़ाई। और विधानसभा में बचौल के बयान पर खूब हुआ हंगामा, विपक्ष ने किया सदन से वॉकआउट। स्पीकर की बार बार अपील पर भी नहीं माना विपक्ष, बेल में करते रहे नारेबाजी। स्पीकर ने कहा लखीसराय में प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वाले DSP और 2 थाना प्रभारी जांच के चलने तक वहां से हटेंगे। और वहीं 28 समूह ने विज्ञान के विविध पहलुओं पर पेश किए मॉडल। विज्ञान दिवस, अरविंद महान महिला कॉलेज में प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, सोलर ऊर्जा, जेनेटिक्स आदि पर आधारित पोस्टर कार्यक्रम। नदी के प्रभाव से हुए भौगोलिक बदलाव का सीधा असर बसावट पर पड़ा है। गंडक पार के प्रखंडों का बढ़ेगा दायरा, यूपी के कई गांव बिहार में होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज और कुशीनगर जनपद के गांव के में किए जाएंगे शामिल, गांव को शामिल किए जाएंगे। मोतिहारी में बाइक एजेंसी के कर्मियों से 7 लाख रुपए के लूट। सीतामढ़ी में मठ से 1.5 करोड़ के धातु की 3 मूर्तियां चोरी। 200 साल पुरानी एक मूर्ति 2.5 फीट की और वजन 25 किलो को। 3 दिन का कैश बैंक में जमा करने जा रहे पेट्रोल पंप के मैनेजर से 25 लाख रुपए की लूट। यह खबर आ रही है मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर समस्तीपुर हाईवे पर स्थित दिघरा पुल के पुल पर सोमवार को दोपहर बाइक सवार 2 अपराधियों ने पिस्टन के बल पर रिलायंस पेट्रोल पंप के कर्मी से 25 लाख रुपए लूट लिया है। और वहीं पूर्वांचल हर चुनाव में चौंकाता है, मोदी लहर में भी भाजपा कई इलाकों में नहीं साथ पाई थी। यूपी के 6ठे और 7वें चरण में मोदी योगी की सबसे बड़ी परीक्षा है। मणिपुर में बंपर 78% मतदान, कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को किया बर्खास्त। रूसी सेना से मुकाबले के लिए गांवों में मोर्चाबंदी, बंकर बनाए जा रहे हैं। शहरों से गांवों की ओर जा रहे हैं यूक्रेनी, लगा रहे हैं गश्त। उडप्पी महिला कॉलेज में प्रैक्टिकल देने गई 3 छात्राओं को रोका हिजाब विवाद का मामला, हाई कोर्ट के फैसले तक परीक्षा टालने की मांग। मालेगांव बम ब्लास्ट, एक और गवाह ने कर्नल पुरोहित को नहीं पहचाना, 18 गवाह मुकर चुके हैं। और इधर रांची के बीचों बीच सेना के कब्जे वाली 200 करोड़ रुपए की जमीन गुपचुप ढंग से
बेच दी गई है। झारखंड से बहुत बड़ी खबर आ रही है, सेना की जमीन जो रांची शहर के बीचों बीच स्थित था, 200 करोड़ रुपए की जमीन को गुपचुप ढंग से बेच दी गई है। विक्रेता ने कहा, जमीन हमारी सेना ने कब्जाया था। 73 साल से जहां आर्मी कैंप, उस जमीन की 2 दिनों में कर दी 16 लोगों को रजिस्ट्री। फर्जीवाड़ा का केस दर्ज हो गया है। 1.5 साल तक सेना को पता ही नहीं चला कि अब जांच का आदेश। और वहीं ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटने के बजाय 14% और बढ़ गया है। जलवायु परिवर्तन पर कांग्रेस परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ के पैनल की रिपोर्ट। कोरोना से लड़ते समय किया संकल्प को पूरा किया, 4 महीने में 3200 किलोमीटर पैदल चले विपिन देसाई। और इधर रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। दिसंबर तिमाही में 5.4% ग्रोथ ये अनुमान से कम है। चालू वित्त वर्ष का वृद्धि अनुमान 9.2 से घटकर 8.9 हो गया है। तीसरी तिमाही में ग्रोथ घट गया है, खास करके अब तो और रसिया और यूक्रेन के युद्ध के कारण पूरे देश में मंदी आने वाली है। और इधर पंचायतों के विकास के लिए मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा घोषणा किया है, बजट में भी इसकी व्यवस्था की जा रही है। अगर हम नजर डालें कि कौन कौन से कार्य गाँव में होने वाले हैं, तो स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव के लिए 843 करोड़, शहरों की तरह गांवों में कचरा प्रबंधन और सोलर लाइट लगाई जाएगी, और इसके लिए 847 करोड़ बिहार सरकार खर्च करेगी। तो दोस्तों, यह थी प्रमुख खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।